बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स, और रिकमेंडेड बुक जो हम यूज़ करें वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट 5th एडिशन। आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है, तो जो आज के लेक्चर के टॉपिक है वो ये वाले आप देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने UDP का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऐड UDP डाटाग्राम फॉर्मेट। अब फॉर्मेट की बात करें तो इसमें ये वाला फॉर्मेट होगा, तो ये आपको MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। तो फॉर्मेट की बात करें तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वो है UDP सोर्स पोर्ट। तो यहाँ पे जो सोर्स होगा यानी सेंडिंग मशीन होगी उसकी सोर्स पोर्ट होगी, यहाँ पे जो होगा UDP डेस्टिनेशन पोर्ट होगी यानी जिसको सेंड किया जा रहा है, और यहाँ पे UDP मैसेज लेंथ है यानी कि कितने मैसेज का ये वाला जो डाटा सेंड किया जा रहा है ना कितने लेंथ का है। उसके बाद UDP चेकसम है यानी ये एक एरर चेकिंग मैकेनिज्म है ये, और लास्ट है पेलोड यानी मैसेज डाटा, जो एक्चुअल डाटा ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अब UDP को ट्रांसफर करने के लिए इसका जो पैकेट है ना, ट्रांसफर करने के लिए इसको इनकैप्सुलेशन की जाती है। इनकैप्सुलेशन में अगर क्या है, हमने पीछे भी लेक्चर में देखा था, तो UDP का जो फ्रेम होगा ना उसको क्या किया जाएगा, इनकैप्सुलेट किया जाएगा। किस में? उसको IP डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा। अब इस तरह इसको IP डाटाग्राम में इनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है यहाँ तक आ जाएगी, और यहाँ पे ये कंप्लीट इसका जो है ना IP पेलोड इसमें आ जाएगा। अब जो IP का फ्रेम होता है इसे भी इस तरह नहीं सेंड किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हमने पीछे देखा था कि जो नेटवर्क्स होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं यानी डिफरेंट काइंड ऑफ हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता था कि ये वाला जो है ना फ्रेम फॉर्मेट ये भी यूज़ नहीं किया जा सकता था, यानी कोई इसको अंडरस्टैंड करेगा कोई नहीं करेगा। अब ये वाला जो होगा ना ये IP डाटाग्राम इसको कंप्लीट को जो है ना IP इसको फ्रेम पेलोड में इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। जैसे पीछे ये UDP को इसके अंदर IP के अंदर इनकैप्सुलेट किया गया, इसी तरह IP को एक सिंपल फ्रेम के अंदर इनकैप्सुलेट करके सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर है 25 और इसका टॉपिक नंबर 11 था, तो ये यहाँ पे एंड हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने ये आपको जानबूझ के शो किया हूँ, इसका जो पेज नंबर है ना 426 है। और इस तरह ये अगर चैप्टर की बात करें तो ये है UDP डाटाग्राम ट्रांसपोर्ट सर्विस, और चैप्टर नंबर ये है 25। अब ये रिकमेंडेड बुक है, और यहाँ से ही देखें ये आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको लेक्चर ऑनलाइन डिलीवर करते हैं। तो आप ये बुक है ना ये डाउनलोड करें और इसे लाजमी स्टडी करें। इसमें बहुत अच्छी डिटेल्स उन्होंने एक्सप्लेनेशन की हुई है, आपको कोई भी लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इसको स्टडी करें, आपको इजिली सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 26। तो इस चैप्टर का नेम है TCP। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो थे UDP, अब जो सेकंड है प्रोटोकॉल वो है TCP। अब ये TCP है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, और इसके अगर पेज नंबर की बात करें तो ये है 429, और अगर कंप्यूटर और अगर बुक की बात करें तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट 5th एडिशन। अब सबसे पहले जो TCP है ना इसका इंट्रोडक्शन है। तो अगर TCP की बात करें तो मेजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, यानी कि सबसे ज्यादा जो यूज़ किया जाता है ना ये TCP को यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, TCP जो कर रहा होता है ना यूज अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस। अब ये जो होता है ना अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस को यूज़ कर रहा होता है, जब भी इसने कोई सेंड करना होता है ना डाटा, तो ये इसके इसको यूज़ कर रहा था अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस को यूज़ कर रहा होता है। लेकिन क्या करता है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड रिलायबल डाटा डिलीवरी, यानी यूज जो कर रहा है वो अनरिलायबल डाटा सर्विस को यूज़ कर रहा है, लेकिन जो प्रोवाइड सर्विस कर रहा है ना वो रिलायबल डाटा डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें आपके MCQ में आ सकती है कि जो TCP है वो क्या चीज़ यूज़ करता है, तो ये अनरिलायबल डाटाग्राम सर्विस यूज़ करता है, और इसी तरह जो प्रोवाइड करता है ना वो किसको यूज़ यानी यूज़ इसी को कर रहा है, लेकिन जो प्रोवाइड कर रहा है ना ये रिलायबल डाटा डिलीवरी को प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर रिलायबल ट्रांसपोर्ट। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलायबल ट्रांसपोर्ट है इसकी जरूरत क्यों पड़े। तो अगर इसकी बात करें तो रिलायबिलिटी जो है ना ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। अब जो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना उसे भी उसी तरह की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, उसी तरह की रिलायबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए कि प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, यानी कि फौरी तौर पर रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। कैसे? एनी लॉस यानी इसके बिना, डुप्लीकेशन के बिना, एंड चेंज इन द ऑर्डर, यानी कोई डाटा अगर सेंड किया गया ना तो उसका ऑर्डर चेंज ना हो, यानी जिस ऑर्डर में डाटा सेंड किया जा रहा है ना उसी ऑर्डर में अगले कंप्यूटर को रिसीव होना चाहिए, उसका ऑर्डर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमने इसकी लेयर देखी थी, इसकी पांच हमने लेयर देखी थी, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं ना वो इसकी रिलायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो जो प्रोटोकॉल रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है वो TCP, और ये आपको चीज़ MCQ में आ सकती है कि कौन सी चीज़ जो होती है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस को प्रोवाइड करती है। तो TCP की अगर बात करें ना तो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल कंसीडर की जाती है, और ज़्यादातर जो एप्लीकेशन होते हैं ना इसे TCP को ही यूज़ कर सकते हैं, और ये चीज़ भी आपको MCQ में आ सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो TCP सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है ना एप्लीकेशन, तो वो सर्विसेज कौन सी हैं। अब ये रिकमेंडेड बुक का जो चैप्टर नंबर है ना 26 है, और उसका जो टॉपिक नंबर है 3 टॉपिक। तो यहाँ पे आपको ये हैंड आउट में इसी तरह दिया, यानी आपको जैसे ये हेडिंग दी होती है। अब ये 7 मेजर फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर कनेक्शन ओरिएंटेशन की बात करें तो हमने पीछे देखा था कि अगर एक कंप्यूटर होता है ना ये एप्लीकेशन होती है, तो उसमें किसी दूसरे को एप्लीकेशन को कोई डाटा सेंड करना है। अब इसके लिए क्या होगा कि इसका दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले इसका दूसरे के साथ कनेक्शन लाजमी होता है। अब ये नहीं है कि इसने डाटा सेंड कर दिया और ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी है तो फिर भी इसको डाटा रिसीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा कि एप्लीकेशन 1 पहले इसको टेस्टिफाई करेगी, इसको वेरीफाई करेगी कि एप्लीकेशन जो 2 है वो ऑनलाइन है कि नहीं है। अगर ये ऑनलाइन हुई तो ये डाटा कम्युनिकेशन हो सकेगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। जबकि पीछे हमने UDP के केस में देखा कि दूसरी जो एप्लीकेशन ये कंप्यूटर है उसका ऑनलाइन होना लाजमी नहीं होता। तो कनेक्शन ओरिएंटेशन का मतलब है कि दूसरी जो भी एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन होना लाजमी है, इस तब इन दोनों की कम्युनिकेशन आपस में हो सकेगी। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब कि इसमें जो एंड पॉइंट होते हैं वो एक्जैक्टली 2 होते हैं,
तो इसमें जो होगी वो जो सेंडिंग होगी वो भी एग्जैक्टली वन एप्लीकेशन होगी, और इस तरह जो रिसीविंग एप्लीकेशन होगी वो भी एग्जैक्टली वन होगी। जबकि हमने यूडीपी के केस में देखा था कि जो सेंडिंग या रिसीविंग वो एक से ज़्यादा हो सकती है, एप्लीकेशन एक से ज़्यादा हो सकती है। जबकि अगर टीसीपी की बात करें तो इसमें एग्जैक्टली वन एप्लीकेशन सेंडिंग होगी, और इस तरह जो रिसीवर होगा वो भी एग्जैक्टली वन एप्लीकेशन ही होगी। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो कंप्लीट रिलायबिलिटी, तो इसमें क्या होता है जो डाटा सेंड किया जाता है ना वो क्या होता है एग्जैक्टली एज सेंड होता है, यानी उसी तरह जिस तरह सेंड किया गया उसी तरह होता है, कंप्लीट होता है और इन ऑर्डर होता है, यानी उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता। तो ये जो होता है ना कंप्लीट रिलायबिलिटी को भी ऑफर करता है। तो फोर्थ नंबर पर जो पॉइंट है वो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब है कि अगर एक एप्लीकेशन वन है ना इसको डाटा सेंड कर रही है एप्लीकेशन टू को, अब जस्ट सपोज के इसको डाटा सेंड कर रही है ना, तो अगर इसने एप्लीकेशन टू ने इसको एप्लीकेशन वन को भी कोई डाटा सेंड करना है तो ये भी एट द सेम टाइम इसको सेंड कर सकती है। अब डुप्लेक्स का आप ये भी मतलब कह सकते हैं कि जब भी इसको जरूरत होगी ना एप्लीकेशन टू को या एप्लीकेशन वन को डाटा सेंड कर सकती है, इसी तरह जो एप्लीकेशन वन है वो भी एप्लीकेशन टू को एनी टाइम कोई भी डाटा सेंड कर सकती है। लेकिन उससे क्या चीज़ जरूरी है वो ये है कि कनेक्शन ओरिएंटेशन होनी चाहिए, दोनों एप्लीकेशन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए, लाजमी कनेक्टेड हो तो फिर ही कम्युनिकेशन हो सकेगी। फिफ्थ पॉइंट जो है वो है स्ट्रीम इंटरफेस। तो जो एप्लीकेशन सेंड कर रही होते हैं वो सीक्वेंस में ऑफ ऑक्टेट होते हैं ना, डाटा उसको सेंड कर रही होते हैं, और जो आगे एप्लीकेशन होते हैं उनको उसी सीक्वेंस में ही उनको रिसीव कर रही होती है। अगर सिक्स पॉइंट की बात करें तो ये है रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप। अब इसका मतलब कि जब भी एक एप्लीकेशन है दूसरे एप्लीकेशन के साथ कोई डाटा ट्रांसफर करना है ना कम्युनिकेशन करनी है, तो सबसे पहले इसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, वेरीफाई करेगा कि जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन है कि नहीं है। अब जब ये वेरीफाई करेगा ना तो इससे क्या होगा कि जो रिलायबल कनेक्शन स्टार्टअप होगा, यानी दूसरे एप्लीकेशन को वेरीफाई करने के बाद इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। अगर सेवन पॉइंट की बात करें तो यह है ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन। अब इसका मतलब कि अगर एप्लीकेशन वन है ना, या अगर इसको डाटा सेंड कर रही है कुछ भी एप्लीकेशन, तो अब ये नहीं होगा कि जस्ट ये डाटा सेंड कर रही है इसका आधा ही डाटा ट्रांसफर हुआ और इसके बाद क्या होगा इन दोनों का जो कनेक्शन है ना वो क्लोज हो जाए। अब जब डाटा कंप्लीट सेंड होगा उसके बाद जो है ना एप्लीकेशन वन यहाँ से इसको एप्लीकेशन टू को एक मैसेज सेंड करेगी कि डाटा जो है वो ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा जो होगा कनेक्शन को शट डाउन कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। और क्लोज करने से पहले जो दोनों एप्लीकेशन होंगी वो क्या करेंगे, वो एग्री करेंगे कि इस कनेक्शन को शट डाउन कर दिया जाए। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर ये एप्लीकेशन वन जो है इसने तो अपना डाटा ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये अपना डाटा सेंड कर रही हो, तो अब ये नहीं कि अपना डाटा सेंड करने के बाद एप्लीकेशन जो है वन ये उसको कनेक्शन को क्लोज कर दे। तो उसके लिए क्या है कि ये एक मैसेज सेंड करेगी, इस तरह ये एप्लीकेशन उसको रिस्पॉन्स करेगी कि डाटा सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जब दोनों जो है ना वो डाटा नहीं सेंड कर रही तो फिर दोनों एग्री करेंगे, और इस तरह जो है ना कनेक्शन को ग्रेसफुली शट डाउन कर दिया जाएगा। अब टीसीपी को एंड टू एंड सर्विसेज भी कहा जाता है। एंड टू एंड क्यों कहा जाता है, हमने अभी हमने देखा था कि एप्लीकेशन वन और एप्लीकेशन टू एग्जैक्टली टू एप्लीकेशन होते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने से पहले इनके दरमियान कनेक्शन होना लाजमी है, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी। तो क्या होता है कि एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट कनेक्शन सबसे पहले जो होता है ना वो रिक्वेस्ट कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ही कनेक्शन होगा। अब जो टीसीपी कनेक्शन है इन्हें वर्चुअल कनेक्शन भी कहा जाता है, और ये पॉइंट जो आपको एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है। अब अगर टीसीपी कनेक्शन की बात करें तो ये क्रिएट किए जाते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर से क्रिएट किए जाते हैं। यानी कैसे, अगर ये एप्लीकेशन वन की बात करें तो जिस सिस्टम के ऊपर ये एप्लीकेशन होगी उसी सिस्टम के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर होगा जिसे टीसीपी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और इसी तरह जो दूसरी एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर भी यही सेम सॉफ्टवेयर होगा। अब ये दोनों के ऊपर होगा, अब ये नहीं है कि इसके साथ ही एप्लीकेशन के अंदर ही होती, बल्कि एक अलग से एप्लीकेशन होती है, और ये जैसे ना ये वाला कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर के ऊपर एक ये एप्लीकेशन, इसी तरह एक ही अलग से सॉफ्टवेयर होगा, इसी तरह इस सिस्टम के ऊपर ये वाली एप्लीकेशन और साथ में ये वाला सॉफ्टवेयर है। तो जस्ट सपोज कि अगर एक सिस्टम के ऊपर एक टीसीपी सॉफ्टवेयर नहीं है तो इन दोनों के दरमियान में जो होता है कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी। तो इसलिए क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर दोनों सिस्टम के ऊपर होना लाजमी होंगे। अब जो दरमियान में इंटरनेट होता है ना वो कोई भी सर्विस या हार्डवेयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि जो सारा काम कर रहा होता है वो टीसीपी सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। दोनों सिस्टम के ऊपर जो टीसीपी सॉफ्टवेयर होता है सिर्फ वही काम कर रहा होता है। अब जिस तरह हमने यूडीपी में देखा था कि उस वो आईपी को यूज़ करता था मैसेज सेंड करने के लिए, इसी तरह जो टीसीपी है ना ये भी आईपी डाटाग्राम को सेंड कर यूज़ करेगा मैसेज सेंड करने के लिए, और जो टीसीपी मैसेजों को इनकैप्सुलेट किया जाएगा किसमें, आईपी डाटाग्राम में, और फिर वो जो है डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड किया जाएगा। अब जो फ्रेम होता है ना वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के ऊपर जब पहुंच जाता है ना, तो आईपी जो डाटाग्राम होता है ना वो क्या करता है कि वो टीसीपी सॉफ्टवेयर होता है ना उसको हैंड ओवर कर देता है। अब उसके बाद टीसीपी का काम होता है कि वो आईपी डाटाग्राम से टीसीपी का जो भी डाटा उसको रिसीव उसको एक्सट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ पे इस टीसीपी की कम्युनिकेशन दिखाई गई कि कैसे दो कंप्यूटर के दरमियान, दो एप्लीकेशन के दरमियान जो होते हैं ना कम्युनिकेशन होती है। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है, होस्ट है, उसको नाम दिया गया, और इस तरह कंप्यूटर भी है। अब इसके ऊपर एक एप्लीकेशन है, इसने जो डाटा सेंड किया ना दूसरी एप्लीकेशन को डाटा सेंड किया है, तो अब कैसे होगा, एक टीसीपी सॉफ्टवेयर होगा इसी सेम सिस्टम के ऊपर, तो क्या करेगा वो डाटा जो है ना वो तो टीसीपी सॉफ्टवेयर उस फ्रेम को ना आईपी डाटाग्राम में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देगा। अब उसके बाद ये नेटवर्क इंटरफेस पे जाएगा, और उसके बाद ये जो नेटवर्क होता है ना उसके अंदर से होकर जो नेक्स्ट राउटर होता है ना वहाँ पे चला जाएगा। अब ये राउटर जो हैंडल कर सकता है ना वो आईपी डाटाग्राम को हैंडल कर सकता है, वो टीसीपी डाटाग्राम को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए जो डाटाग्राम होता है उसको इनकैप्सुलेट किया जाता है। और अगर जो डाटाग्राम है उसे इनकैप्सुलेट नहीं किया जाए तो राउटर के ऊपर भी हमें जो है टीसीपी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो भी टीसीपी होता है ना उसको डाटाग्राम को आईपी डाटाग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है। अब इस वजह से जो राउटर है ना उसको टीसीपी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको आईपी डाटाग्राम की तरह ही ट्रीट करेगा और उसको आगे सेंड कर देगा, यानी जो भी डेस्टिनेशन है आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। अभी नेटवर्क टू पे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, उसी तरह कनेक्शन आएगा, नेटवर्क इंटरफेस पे आएगा, उसके बाद आईपी
डाटाग्राम आ जाएगा। अब आईपी डाटाग्राम जो होगा ना, ये कहाँ पे हैंड ओवर कर दीजिएगा, टीसीपी सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको हैंड ओवर कर दीजिएगा। अब ये टीसीपी सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाटाग्राम को वो क्या करे, एक्सट्रैक्ट करे और उसके बाद किसको दे दे, इस एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर दे। सो ये जो टीसीपी सॉफ्टवेयर, ये दोनों सिस्टम के ऊपर होना लाजमी है। अगर एक सिस्टम के ऊपर नहीं होगा तो ये दोनों सिस्टम जो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। जस्ट सपोज के करके इसने जो डाटाग्राम सेंड किया, यहाँ तक आईपी डाटाग्राम तो पहुंचाया, अब आईपी डाटाग्राम है ना, ये एप्लीकेशन उसको रीड नहीं कर सकेगी। उसके लिए क्या होगा कि इसके ऊपर जो टीसीपी सॉफ्टवेयर है वो होना लाजमी है। अब यहाँ पे जो टीसीपी है ना, ये अल्यूजन कैसे क्रिएट कर रहा है, यानी ये क्रिएट कर रहा है जैसे ये दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये उन्होंने शो किया होगा कि इस तरह करके ऐसे अल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि जैसे दोनों जो एप्लीकेशन है वो सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रही हूँ, हालांकि वो दोनों सेम नेटवर्क से बिलोंग नहीं कर रही। अगर होस्ट ए की बात करें तो इस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, और अगर इसी तरह होस्ट बी की बात करें तो वो इस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनके दरमियान जस्ट एक ही राउटर है, ये जस्ट सिंपलिसिटी के लिए दिखाया गया। एक्चुअली में इनके दरमियान में 10, 20, 40 राउटर, इस तरह एक से इससे भी ज़्यादा राउटर भी हो सकते हैं। आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है टेक्निक्स दैट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज। तो ये जो है लेक्चर नंबर, ये चैप्टर नंबर 26 है, इसका जो टॉपिक नंबर है वो 5 है। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है ना, उन्हें केयरफुली डिजाइन करना चाहिए, क्या किस लिए, एफिशिएंट और रिलायबल डाटा ट्रांसफर के लिए। लेकिन फिर भी कुछ मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या है, तो आपके जो हैंड आउट पे वहाँ पे जस्ट दो ही मेंशन है, तो अगर आप रिकमेंडेड बुक की बात करें तो यहाँ पे 4 है। तो हम जो नीचे वाली इसको हम कवर नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है रिकमेंडेड जो आपके हैंड आउट के ऊपर गिवन है, हम सिर्फ उनको ही कवर करेंगे। अब जो पहली प्रॉब्लम वो है अनरिलायबल कम्युनिकेशन। अभी हम देख के आए कि जो टीसीपी है ना, ये रिलायबल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कर रहा है। अब हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, तो ये भी कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जो मैसेज सेंड किया जाता है, जो डाटाग्राम सेंड किया जाता है, उसमें क्या हो सकता है कि वो लॉस्ट हो सकता है, इसी तरह डुप्लीकेट हो सकता है, या करप्टेड हो सकता है, या डिलेड हो सकता है, या और टीसीपी जो होता है ना, ये यूटीपी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सिक्योर है, कहीं ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन उसके बावजूद ये वाली जो प्रॉब्लम ये अकर हो सकती हैं। यानी अगर सिंपल वर्डिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन ये 100% रिलायबल नहीं है, बल्कि फिर भी इसमें कुछ ना कुछ चांसेस हैं कि ये वाली प्रॉब्लम अकर हो सकती हैं। अब सेकंड नंबर पे है एंड सिस्टम रिपोर्ट। अब हमने पीछे देखा था कि दो एप्लीकेशन आपस में कनेक्शन कनेक्टेड होती थी, और क्या करते कि कनेक्शन को शट डाउन करने से पहले एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती थी। अब जस्ट सपोज के इनमें से कोई भी एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को डाटा सेंड कर रही है, और किसी भी टाइम के ऊपर क्या होता है कि एक सिस्टम जो होता है ना, एक सिस्टम को क्रैश कर जाए या रिबूट हो जाए, यानी कि दोबारा से रीस्टार्ट हो जाए। अब जब जैसे ही रीस्टार्ट होगा ना, जो डाटा आ रहा है ना, वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके ये वाली प्रॉब्लम अकर हो सकती है। सो आपने ये जो दो पॉइंट है, सिर्फ आपने ये वाले करने हैं, क्योंकि आपके हैंड आउट में सिर्फ ये दो पॉइंट गिवन है और ये नीचे वाले आपको करने की जरूरत नहीं। सो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।